नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि और अभी मौजूद है रोहतक के भिवानी स्टैंड पर। आपको बता दें जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, काफी खुशी है इनमें। आपको बता दें कारण भी आपको बताया था कि भाजपा कार्यकर्ता जो है भाजपा द्वारा 3 राज्यों में ऐतिहासिक और इतनी बड़ी जीत दर्ज करने की जो है खुशी मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो भाजपा कार्यकर्ता है भारी मात्रा में यहाँ पर जुटे हैं और ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए जो है ये जीत की जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो रोहतक के नेता है वो भी पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो उनसे हम जानेंगे वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। राजू जी, आज इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? आप देख रहे हैं कि कैसा खुशी का माहौल मेरे चारों तरफ है। हमारी जिला के अध्यक्ष हैं रणवीर ढाका जी, हमारी आशा शर्मा जी आगे आइए, हमारे महामंत्री आशा शर्मा जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, सुरेश किरार जी हमारे पार्षद साथी हैं, हमारे महामंत्री भी हैं, सभी हमारे भाई अमित जी हैं, अशोक जी हैं, सभी ने आज भारतीय जनता पार्टी की इस पूर्ण बहुमत पर तीनों राज्यों के अंदर कमल खिला है और तेलंगाना के अंदर भी हम लोगों ने 12 सीटें ली हैं और देश के प्रधान सेवक के अंदर वो खूबियां हैं जो और विश्व में किसी के अंदर ऐसी खूबी नहीं है। इसलिए सभी ने मन बना लिया है लोकसभा के अंदर अब की बार हम लोग 405 सीटें लोकसभा में देश के प्रधान सेवक की झोली में देश डालने जा रहा है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें पिछली बार भी हम जीते थे, इस बार भी रोहतक की धरती से फिर आगाज होगा और कमल खिलेगा और देश का प्रधान सेवक तीसरी बार हमारे बीच में 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा बनके हमारे बीच में आएंगे और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। जल्द विधानसभा के चुनाव जो बीच में आएंगे पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जैसे आज मेरे कार्यकर्ता आपके बीच में नाच गा के अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनकी मेहनत जो आज हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब जगह गए थे, हमारे राजस्थान से बाबा बालानाथ जी जीते हैं उनको भी रोहतक की ओर से बहुत बहुत बधाई है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके आज इसको खबर बनाया है, सबकी ओर बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को धन्यवाद करता हूँ, देश के प्रधान सेवक का धन्यवाद करता हूँ। आपने सुना कि किस प्रकार जो है खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सभी लोग जो है खुशियां मना रहे राज करके। आप देख सकते हैं डिजिटल भूमि के माध्यम से और तमाम जो नेतागण हैं छोटे से लेकर के बड़े तक यहाँ पर पहुंचे हैं, खुशी मना रहे हैं, नाच करके जो है अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। मोदी मोदी के जो नारे हैं यहाँ पर लग रहे हैं तो आज मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ी भारी जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को जहाँ शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये जीत मोदी जी की नीतियों की भ्रष्टाचार मुक्त देश में प्रशासन की ये जीत है, मैं मोदी जी के इस शानदार प्रदर्शन को जिसको भारत को दुनिया में नंबर वन बनाने में जो अग्रसर है ये उस अभियान की जीत है। मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं को जीत के लिए शुभकामनाएं देता हूँ जहाँ तेलंगाना के इतनी भारी अच्छा प्रदर्शन के लिए भी मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ। लोकसभा चुनाव में मोदी जी की कोई मुकाबला नहीं है, कम से कम 412 सीट विधान लोकसभा में आएंगी और हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी सरकार और आने वाले चुनाव में हरियाणा में भी तीसरी बार 2/3 बहुमत लेकर सरकार ये बनेगी अब की बार, इसलिए मैं लाखों कार्यकर्ता हूँ ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। तो आपने सुना कि किस प्रकार जो है यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आज राजस्थान
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, मोदी की गारंटी की जीत हुई है, मैं उस पर सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा। ये एक मुहिम चल चुकी है और 2024 के अंदर हम 350 से ऊपर सीटें लेकर के अपनी मोदी जी की सरकार बनाएंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं का इस बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एक ये कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन कार्यकर्ताओं ने लगन से काम किया, मोदी जी की गारंटी की जीत है। मोदी या तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, देश के सभी कार्यकर्ताओं को। आप देख रहे हैं कितना जो जोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। सभी जो है ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, भारी मात्रा में जो है बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के झंडे और पटके जो है हवा में फहर रहे हैं। बहुत जो जोश है यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आज जो विधानसभा चुनाव हुए थे, चार राज्यों में से चार में जो है आज काउंटिंग हुई थी, जिसमें से तीन राज्यों में जो है बीजेपी ने ऐतिहासिक जो जीत है वो दर्ज की है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा खुशी देखने को मिल रही है। और अभी रोहतक से आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं भिवानी स्टैंड से, जहां पर आप देख पा रहे हैं कितनी भारी मात्रा में जो है कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े जो नेता है रोहतक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और बहुत भारी मात्रा में बीजेपी कार्यकर्ता है पहुंचे हुए हैं। ढोल पर जो है ये सभी नाच रहे हैं और नाच करके जो है ये खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। अभी हमारे साथ जो है यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में जो है कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं बीजेपी के, ढोल नगाड़ों पर जो है वो डांस कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जाम की भी स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्पन्न हो गई है, क्योंकि काफी भीड़ है भिवानी स्टैंड पर और ये काफी बिजी रोड रहता है। और अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुसूचित जाति के प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजमल किलोई जी, उनसे बात करेंगे। जी सूरजमल जी, आज ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो ये ऐतिहासिक जीत 2-3 स्टेटों में हुई है, ये भारत देश की ऐतिहासिक जीत हुई है, मोदी जी की जीत हुई है। मोदी जी ने देश में अच्छे काम किए, देश को ताकतवर बनाया, सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। आज लोगों ने ये दिखा दिया भाई, मोदी जी भारत के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। और 2024 में जो हरियाणा में जो चुनाव होंगे, 10 की 10 सीट लोकसभा की भाजपा की होंगी, और अब की बार विधानसभा की भी 70-80 के करीब भाजपा की विधायक की सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में राज बनाएगी, अपनी सरकार बनाएगी। इजारा विधानसभा में मैंने करीब 10 दिन वहां पर लगाए और लोगों का बड़ा अच्छा रुझान था। लोग मेरे से पूछते थे भाई महंत बालक नाथ जी क्या यहाँ से जीत जाएंगे। मैं हमेशा उनको कहता था यहाँ लोगों में बड़ा जोश है, महंत बालक नाथ जी बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। और वहाँ की जनता ने महंत बालक नाथ जी के ऊपर विश्वास करके, भाजपा सरकार पर विश्वास करके, मोदी सरकार पर विश्वास करके उनको अच्छी वोटों से जिताकर उनके हाथ मजबूत किए। लोकसभा में बिल्कुल पूरे देश में मोदी जी का जादू चलेगा और मोदी जी को पूरे देश की जनता ने परख लिया है। उन जैसे प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं हुए हैं, ना ही आगे होंगे, ऐसा उन्होंने काम करके दिखा दिया। तो आपने देखा है किस प्रकार जो है उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भरा हुआ है, और इनका कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जो है इनकी सरकार बनने जा रही है। और आप देख रहे हैं सीधे सीधे डिजिटल भूमि के माध्यम से, और अभी मौजूद है रोहतक के भिवानी स्टैंड पर। इसी के साथ अपने राज्य व शहर की नई तरह जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे डिजिटल भूमि के साथ। धन्यवाद।